जननायक जनता पार्टी द्वारा करनाल के होटल ज्वेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई, जिसको पूर्व विधायक एवं जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सागवान ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने करनाल जिले की नई कार्यकारिणी की घोषणा करने का भी ऐलान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि नई कार्यकारिणी में जिले में 11 उप प्रधान व 11 महासचिव नियुक्त किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने की रहेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के पास कोई नई नीति नहीं है, ना कोई रोजगार के लिए रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में JJP युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी किसी पार्टी ने युवाओं के रोजगार की बात नहीं कही, परंतु जननायक जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी युवाओं के लिए रोजगार की बात को सबसे आगे रखा और इसको अहम मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अलग मुद्दे होते थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर BJP के प्रत्याशी जीतकर आए। BJP के प्रत्याशियों का अपना कोई जनाधार नहीं था, वह सिर्फ मोदी के नाम से ही सांसद चुने गए। उन्होंने कहा जबकि विधानसभा चुनाव में हरियाणा के मुद्दे अलग होंगे, जिनको जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला बखूबी से उठाएंगे और बेहतर प्रदर्शन करते हुए हरियाणा में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो किसानों के लिए घोषणा की गई है, उसमें कोई भी नई बात नहीं है। इस घोषणा से किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सागवान ने नई कार्यकारिणी के बारे में कहा कि संगठन को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए मेहनती लोग संगठन में शामिल किए गए हैं। इस मौके पर उनके साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी मोहसिन चौधरी, मीडिया प्रभारी यशकारण राणा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवा, जो कि JJP के जिलाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए योजना की घोषणा की, उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, ये तो घोषणाएं करते हैं, लेकिन आज किसान की जो हालत है इस देश में, आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसान आज कर्जमंद हो चुका है। आज किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती, समय पर खाद बीज नहीं मिलता। आप देखते होंगे लाइनों में लगकर हमें खाद लेना पड़ता है। यूरिया DAP जब लेने जाते हैं तो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं। आज किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। आज अगर हमारी जीरी पक्के मंडियों में तैयार होके जाएगी तो किसान से नमी के नाम पे किसी से 100 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये तक कटौती करने का काम करते हैं। तो किसानों का जो ये पैसा सरकार, मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा ये घोटाला है। अगर समर्थन मूल्य 1600 रुपये है या 1700 जो भी है, उसका समर्थन मूल्य किसान को मिलना चाहिए, ना कि उससे कोई कटौती काटनी चाहिए। सर, आज बजट पेश होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, आज जब बजट पेश होगा उसके बाद ही उसकी प्रतिक्रिया दी जाएगी। पहले तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जब बजट पेश होगा तो ये क्या क्या उसमें लेके आएंगे बजट में, उसके बाद ही इसका इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, हमने अपने करनाल जिले की जननायक जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। हमने अपने अच्छे अच्छे साथियों को उस जिला कार्यकारिणी में स्थान दिया है, ताकि वो साथी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा सके और पार्टी को सत्ता में लेकर आ सके। अभी हमारे साथ मौजूद हैं JJP के प्रभारी मोहसिन चौधरी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज खासतौर से यहाँ पे आने का मकसद हमारे जो करनाल जिले की कार्यकारिणी गठित हुई है उसको लेकर के आप लोगों को आमंत्रित किया था, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना कीमती समय दिया। मैं तो एक ही बात आप लोगों से के बीच में करना चाहूँगा कि आज जिस तरह से BJP के लोग दुष्प्रचार करने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, विकास की कोई बात नहीं है। आज अगर करनाल की बात करें, करनाल में कोई दिन ऐसा नहीं जाता हो जिसमें कोई मर्डर ना हो। पिछले दिनों एक मर्डर हमारी युवा साथी विकास चौधरी का फरीदाबाद में हुआ था। मुख्यमंत्री ने उसकी तो डेड बॉडी वहीं पे रखी हुई थी, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनका कम से कम ये उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी कि इसके ऊपर तो ये तो क्रिमिनल आदमी था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज संसद में 50% से ऊपर सांसद जो बैठे हैं, उन पर तरह तरह के केस रजिस्टर्ड हैं। किसी पर अपहरण का है, किसी पर डकैती का है, किसी पर मर्डर का है, किसी पर बलात्कार का है, तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। आज हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके ऊपर कितने केस हैं जो जो है ना पूरे देश की कमान संभाले।
तो बस यही मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि इनकी जो बात है, इनको तो सिर्फ ये तो बांटने का काम करते हैं। और आज हमारी एक बहुत ही जुझारू टीम जो यहाँ पे खड़ी हुई है हमारे करनाल जिले की, हम लोगों के बीच में जा कर के हमारे जैसे वर्धा पेंशन है, रोजगार की बात है, इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनके फार्म भी बनवाने का काम कर रहे हैं।